कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है। दारुल सलाम मस्जिद में आयोजित रोज़ा इफ्तार में उमड़ रही है रोजेदारों की भीड़। रमजान के पाक महीने में रोज़ा इफ्तार कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में रमजान के पहले रोज़ा से ही मुंबई के घाटकोपर पश्चिम की दारुल सलाम मस्जिद में प्रत्येक दिन रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में रोजेदार मस्जिद में पहुंचकर रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। देर शाम तक रोजेदारों की भीड़ का तांता लगा रहता है। आपको बता दूं कि माहे रमज़ान मुस्लिमों का बहुत ही पवित्र और बरकत वाला महीना है। पूरा एक महीना मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। सुबह फ़र्ज की अजान के पहले सहरी करते हैं और शाम को लगभग 7:15 के आसपास मगरिब की अजान होने के बाद ही इफ्तार करते हैं। मुंबई में जगह जगह रोज़ेदारों के इफ्तारी के लिए इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें घाटकोपर पश्चिम की मस्जिद दारुल सलाम में इमाम मौलाना अब्दुल अजीज़ और बैदुर रहमान की अध्यक्षता में पिछले कई सालों से इफ्तारी का बेहतरीन इंतज़ाम किया जाता है। रोज़ेदारों को रोज़ा इफ्तार करवाने के लिए मस्जिद में तरह तरह के विशेष पकवान बड़ी ही मोहब्बत से बनाए जाते हैं, जिसे नासिर गौहर खान, मुन्ना भाई नूडल्स वाले, नौजवान कमेटी के सदर इब्राहिम सिद्दीकी, साहिद सिद्दीकी, बैतुल्ला जमील अहमद सिद्दीकी, वासिफ सिद्दीकी, जहीर सिद्दीकी, यासिर खान, रेहान सिद्दीकी, नदीम अंसारी, वसीम अंसारी और सभी लोग मिलकर इफ्तारी बनाते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन 100 से 150 रोज़ेदार इफ्तारी करते हैं। इसके बाद नमाज के बाद दुआ में हिंदुस्तान में अमन चैन तथा शांति की दुआ अल्लाह से मांगी गई। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। Thank you.
सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है।